मैं तो यही सोच रही थी बहू आएगी घर में तो मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन वो तो ऐसी फराट क्या बोलते हैं वो निकली। माँ की बीमारी का बहाना करके दो बार चली गई यहाँ से, फिर आई 10 दिन लगा के, तो जो सोना वोना था वो सारा वो करके आई। सब कुछ असली जैसा होगा, वो घर में भी रहेगी, खाना पकाएगी, प्यार से खिलाएगी, और एक दिन जब उसके हाथ सारा माल लग जाएगा तो मौका मिलते ही फरार हो जाएगी। जी हाँ, आजकल इस तरह की दुल्हनें लोगों के अरमानों के साथ इस कदर खेल जाती हैं कि पीड़ित पक्ष शिकायत करने में भी शर्मा जाता है। खबर रेवाड़ी की है, जहाँ मोहल्ला बंजारवाड़ा में एक माँ ने ये सोचकर अपने बेटे की शादी करा दी कि वो फ्री हो जाएगी और छोटा बेटा भी खुश रहेगा। मगर उन्हें कहाँ पता था कि जिसे वो घर की लक्ष्मी बनाकर घर में लाकर बैठा चुकी है वो एक लुटेरी दुल्हन है, जो अंदर ही अंदर असली गहनों को नकली गहनों से बदलकर कमाई कर रही है। खुलासा तब हुआ जब आरोपी महिला के फोन पर किसी का फोन आया और उसने बहू हनीप्रीत को एकता कहकर पुकारा। जब पति ने पूछताछ की तो मामला उजागर हो गया। मैंने तो ये सोचा बच्चे की शादी करूँ, हम भी फ्री हो जाएंगे। बड़ी बहू मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे रहती है, प्रेग्नेंट है, मेरे हाथ पे भी लगी हुई थी चोट, तो मैं तो यही सोच रही थी बहू आएगी घर में तो मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन वो तो ऐसी फराट क्या बोलते हैं वो निकली, लूट के भी ले गई। और यहाँ से तो अच्छा भला हमारे साथ मिल के ऐसे रह रही थी कि जैसे कुछ महसूस भी नहीं है, मिलजुल कर बच्चों से भी प्यार करती थी, खाना बनाती थी, लेकिन हमारे को कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन वो माँ की बीमारी का बहाना करके दो बार चली गई यहाँ से, फिर आई 10 दिन लगा के, तो जो सोना वोना था वो सारा वो करके आई। आते ही मैंने कहा, मैं बेटा ये अंगूठी मेरे को ना थोड़े से वो हो रही है, तो मेरे को बोली नहीं मम्मी मैं एल्बम में दिखा दूँ आपको, यही वाली है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन ये डाल के खड़ी हुई, मैंने कहा बेटा मेरे को अंगूठी लग रही है, तो चुप हो गई। फिर मैं बोली कानों के डाले, कहते हैं कानों में ना मेरे ना वो दुख रहे थे, मैंने तेल हल्दी लगाया, तो मैं चुप हो गई। ये तो बाद में पता चला कि ये तो नकली है, जब हमने टेस्ट करवाया सुनारे से तो वो नकली निकले गहने। फिर ये हमारे लड़के ने ना 500 रुपये का नोट रखा पलंग पे, तो बोला घंटे बाद पता नहीं 500 वाला नोट नहीं है, कहती है इधर उधर देख रही है, कह रही है चूहे ले गए होंगे। वो बोला कितने दिन से हम सो रहे हैं, कोई चूहा नहीं था, आज कैसे चूहा आ गया। फिर बेचारा चुप हो गया, तो इसका मतलब ये तो हमारे से यही काम करती रही। दरअसल परिवार ने अपने बेटे शंकर मखीजा की शादी एक मैरिज ब्यूरो के जरिए पंजाब के लुधियाना की रहने वाली लड़की से की थी। 9 अगस्त 2022 को गोहाना के एक गुरुद्वारे में दोनों की शादी हुई, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आया। लड़के वालों ने दुल्हन को सारे गहने भी दिए, लेकिन शादी के बाद आरोपी दुल्हन माँ की बीमारी का बहाना बनाकर घर चली गई, और जब लौटी गहने सोने की जगह पीतल के लाई, सास को शक हुआ। और रही बची कसर उस फोन कॉल ने पूरी कर दी, जिसमें पता चला कि दुल्हन का असली नाम तो एकता है और उसका तो पूरा परिवार ही नकली है। लड़की वाले निकले फ्रॉड, उनने सारे जो भाई बाप भी सब बन के हुए आए हुए थे, सब भी क्या हुए थे, 2-2 हज़ार में, कोई 5-5 हज़ार में, सब नकली थे जी। वो आपका खर्चा कितना लगा? खर्चा हमारा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तक हो गया खराब। तो आपको ये कैसे पता चला कि फ्रॉड है? फ्रॉड तो जी मेरे भाई के फ़ोन पे ही फ़ोन आया था उनके, कि जी इसका नाम तो एकता है, हमको तो पता भी नहीं है शादी हुई है, कौन है कौन नहीं। उनकी बहन नहीं, जो लड़की हरप्रीत बन के आई थी शादी करके आई थी, उसकी बहन ने, उसकी बहन ने फोन। हाँ जी, तब जाके पता चला। जब पता चला, जब हमको थोड़ा शक होया तो हमने उनसे पूछा, तो उसने बताया कि जी हाँ मेरी पहले भी शादी हुई है, मेरा लड़का भी है। कोई 2 हज़ार तो कोई 5 हज़ार, इसी तरह से लड़की पक्ष के सभी रिश्तेदार किराए पर अरेंज किए गए थे। अभी तक हुई पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि पहले भी 3 शादियां कर चुकी है, जिसमें से एक पति से उसका बच्चा भी है। परिजनों ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसकी शादी में नकली रिश्तेदार बने 2 लोगों को पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। रहन सहन देखा, इनका माहौल देखा, तो हमें तो मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक भाई की शादी पहले हो रही थी, दूसरे की अब दोबारे हो रही, दूसरे की हो रही है, दूसरे की बराबर हो जाएगी। अपने से
माँ बापों को, भाई ऐसा है, हर माँ बाप यही चाहता है कि भाई मेरे दोनों बेटे शादी हो जाएँ, अपने खुशी से आराम से प्यार मोहब्बत से रहें, फर्ज पूरा हो जाए। लेकिन इस दरमियान में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद में ऐसा, मतलब खुशी तो घर में एक दिन आई थी, उसके बाद में दो तीन दिन के बाद में ऐसा माध्यम सा छाया हुआ है घर के अंदर कि आंसू मतलब निकल रहे हैं और बाहर दिखा नहीं रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर इतना महसूस कर रहे हैं कि बस जिसकी कोई हद नहीं। सारे गोल्ड वगैरह लेगी थी वो भी डुप्लीकेट हो गए, सारे बेच के आ गई, सूटे वगैरह थे जो वो सूट भी वहाँ पे सारे रख के आ गए, और जो भाई बहन बने हुए थे कोई बाद में पता लग रहा है जी वो मेरा गर्लफ्रेंड है, वो मेरी सहेली है, जो सारे जितने भी स्टाफ इनके चुंगल में ऐसे फंसा लिए हमारे को कि जिसकी कोई हद नहीं है जी। इतना बुरा हाल कर दिया हमारा घर के अंदर कि आदमी ना मरे और ना जिए। बात तो सही है, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने बहू समझकर हरप्रीत को गले लगाया और अपने सारे कीमती जेवर सौंप दिए। उस पति के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसने हरप्रीत को अपनी जीवन संगनी के रूप में सपने सजा लिए थे। उधर पुलिस भी फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वालों की तलाश में जुटी है, क्योंकि उनके जरिए ही परिवार इस लुटेरी दुल्हन के चक्कर में लुटा है। तो लड़की ने बताया कि वो उसका नाम हनीप्रीत ना होके एकता है, वो पहले से शादीशुदा है और लुधियाना में जो मनी एक पंजाबी है सरदार है जो एक मैरिज ब्यूरो का ऑफिस चलाता है, उसने ये शादी करवाई थी। और उनका कहने का ये था कि भाई शादी के 3 या 4 दिन बाद में जो शादी में जो गहने या जो पैसे जो भी दिए गए हैं वो वहाँ से इकट्ठा करो, उसके बाद वापसी आ जाओ। तो इस शिकायत के बेस पे हमने ये दिनांक 6/9/22 को मुकदमा लॉज किया। मुकदमा लॉज करने के बाद में केस का अनुसंधान है एएसआई सुमलता इंचा चौकी कानूर गेट ने किया। उसके बाद में जो एक्यूज हनीप्रीत अलियास एकता है, इसको हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में सामने आया कि पूरा एक नेक्सस है, स्कैंडल है, जो इस तरह की शादी करवा के लोगों को अपनी जालसाजी में ठगी में फंसाते हैं और उनसे पैसा जेवरात ठगने का काम करते हैं। पहले भी इस तरीके से 2-3 जगह वारदात को अंजाम दे चुकी है लड़की। बेसिक प्राथमिक पूछताछ में जो ये लड़की, इसने बताया कि ये पहले 4-5 महीने से इस स्कैंडल में काम कर रही है। अब ये जो शादी में जो रिश्तेदार बनते हैं वो भी कोई रिश्ते में। लुधियाना में मैरिज ब्यूरो चलाने वाले मनी नाम के सरदार ने ये शादी कराई है। लड़की ने खुद कबूल किया है कि ये उसकी चौथी शादी है। ऐसे में इस परिवार के साथ बड़ा धोखा हुआ है। देखना होगा कि अरमानों का कत्ल करने वाली इस फर्जी दुल्हन और उसके साथियों को न्यायालय क्या सजा सुनाएगा। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।